हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दर्शन नक्कर और आज वीडियो में मैं रिव्यू करना लो बेनेली 302R को। तो ये जो बेनेली मॉडल है 302R, ये 2016 के मोटो एक्सपो में लॉन्च हुआ था और तब से मतलब ये जो गाड़ी है पहले टोरंटो के नाम से जाना जाता था, बट अभी इसका नाम बेनेली 302R है। तो अभी ये वीडियो में मैं इसका पूरा रिव्यू करना लूँ कि इसका टॉप स्पीड क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका माइलेज क्या है, सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेनेली 302R की प्राइस है 410,000 ऑन रोड प्राइस है ये। इसके इंजन की बात करें तो इनलाइन टू सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOHSC वाटर कूल्ड 8 वॉल्व इंजन है, जिसकी कैपेसिटी 300 cc है। पावर की बात करें तो 38 BHP पावर मिलता है 11,500 RPM। टॉर्क आपको मिलता है 26.5 Nm एट 10,000 RPM और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm है। और वेट की बात करते ऑल ओवर वेट की तो 198 kg। और गाड़ी के जो ग्राफिक्स है मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। अभी बात करते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलते हैं और ABS स्विचेबल है। और फ्रंट ब्रेक की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक डबल डिस्क मिलता है, रियर आपको हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क मिलता है। आपको साइड में एक बेनेली का लोगो मिलता है, ये भी एक्चुअली एक्टिव टू रखता है। और साइड में फेयरिंग और उसके ऊपर ग्राफिक्स मिलते हैं। और इसके फ्रंट में आपको ड्यूअल हेडलैम्प मिलते हैं जो रात को अच्छे से लाइट प्रोवाइड करते हैं। अभी बात करते हैं इसकी व्हील्स की। तो फ्रंट व्हील जो है वो 110/70 का है, रियर जो टायर है वो 150/60 का है। और अभी बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो इसके अंदर इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोक है और रियर में हाइड्रोलिक मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर फ्यूल टैंक है, उसमें से 1.4 लीटर रिजर्व है। और माइलेज आपको सिटी में 26 से 27 KMPL मिल जाता है और हाईवेज पे 30 to 32 KMPL। अंदर आपको इंडिकेटर जो मिलते हैं ये भी LED इंडिकेटर मिलते हैं। और यहाँ पे आपको जो साइड मिरर मिलता है ये इनवर्ट फोल्डेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो है एकदम कार वाले मिरर्स है, जैसे कार में फोल्डेबल मिरर्स रहते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेमी डिजिटल है, इसमें जो RPM का लिमिट मिलता है आपको वो एनालॉग में मिलता है और जो स्पीडोमीटर है आपको पूरा डिजिटल मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब इसका मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि इसका साइलेंसर में कैसा आवाज आता है, इसका एग्जॉस्ट कैसा है। अब इसका मैं एक टेस्ट ड्राइव लेके देखता हूँ कि इसका वेट मैनेजमेंट कैसा है और इसका सीटिंग पोजीशन वगैरह कैसा है। तो गाड़ी चलाने में तो बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल है। इसका जो वेट है वो थोड़ा सा फील होता है सिटी में जब आप टर्न वगैरह करते हो तो, बट बाकी ये वेट मैनेजमेंट बरोबर किया गया है। और हाईवेज पे कॉर्नरिंग के लिए गाड़ी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कॉर्नरिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो। इसमें जो वेट मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे से किया गया है और ओवरऑल इसका पिकअप और पावर भी अच्छा है। तो बस फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा रिव्यू था बेनेली 302R पे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बस, थैंक यू।